Good morning, students. So another source of finance which we are going to discuss today, along with its merits and demerits, that is preference shares. The meaning I had already explained. You know what are preference shares? Preference shares bete wo hote hain which enjoy two preferential rights over equity shares. One is the payment of dividend. जिसके पास preference shares हैं, उसको fixed rate of dividend मिलेगा और वो इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा. ठीक है, सो दे हैव अ प्रेफरेंस ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, प्रेफरेंस टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सेकेंडली बेटे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो इंजॉय द प्रेफरेंस ओवर द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. जब ये कंपनी डिसॉल्व होगी, लिक्विडेट होगी, तो उस केस में बाकी क्रेडिटर्स के क्लेम सेटल करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम सेटल किए जाएंगे. उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आएगी, यानी दे हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. सो वी कैन से दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. सो बेटे, बिकॉज दे एंजॉय फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, कम व्हाट में अगर कंपनी को चलो सफिशियंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है. जितना जब उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे थे उसके ऊपर लिखा होता है कि 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं या ये 7% प्रेफरेंस शेयर्स हैं. तो वॉट एवर रेट इज मेंशन्ड, इफ द कंपनी इज हैविंग सफिशियंट प्रॉफिट्स देन दे डू गेट दीज dividends. उनको ये fixed rate of dividend मिलता ही मिलता है. So in this way they resemble debentures. वो उनको एक ये जो instrument है preference shares holder का, preference shares का, ये debentures की तरह आ जाता है because of the common feature of fixed amount of return. Debenture holders को भी fixed rate of interest मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है. तो इन दिस वे दे रिजेंबल डिबेंचर्स एज दे बियर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, बट द डिविडेंड इज पेएबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स की मर्जी है उन्होंने देना है या नहीं देना है, एंड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर यू नो टैक्स. जब टैक्स पैट होता है, इसको हम बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, और वो भी अगर हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि इनको देना चाहिए तभी मिलेगा. मतलब इवन दो दे एंजॉय फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, बट दे एंजॉय इट ओनली व्हेन देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स. अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, डायरेक्टर्स को लगता है कि इस साल हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना, डिविडेंड देना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो दे मे रिफ्यूज. उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि उनको देना ही पड़ेगा कंपल्सरिली. ठीक है, सो इन दिस वे दे रिजेंबल इक्विटी शेयर्स. व्हाई? बिकॉज वन थिंग डिविडेंड इज पेड ओनली आउट ऑफ पैट, एंड अनदर थिंग ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, सो वी कैन से shareholders, they have the characteristics of both equity shares as well as equity shares and debenture shares का ये mixture है, क्योंकि इनमें दोनों की mixed characteristics पाई जाती है. So what are the merits of preference shares? Preference shares provide reasonably steady income in the form of fixed rate of return and safety of इन्वेस्टमेंट. सो बेटे, अगर आप इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से देखें तो इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स उनके सूटेबल थे जो कि ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न मांगते हैं और उस रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं. लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स उनके लिए सूटेबल हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो चाहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, और एक वो रीजनेबली स्टेडी इनकम चाहते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड फ्लक्चुएट करता है, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फ्लक्चुएट नहीं करता, फिक्स्ड रहता है.
So those who are interested in having a steady income and those who want to have the safety of their investment, they can go in for preference shares. Secondly, Bete, preference shares are useful for those investors who want fixed rate of return with comparatively low risk. तो ये वही मेरिट है, उसने ये इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से दे दिया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ही बनता है, ठीक. देन थर्ड इज इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर्स ओवर द मैनेजमेंट. सी आई टोल्ड यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स, सो द कंट्रोल ऑफ द कंपनी डज नॉट गेट डाइल्यूटेड. अगर एक कंपनी ने इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इशू किए हुए हैं और वो कुछ टाइम पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर्स से कैपिटल रेस करती है, तो उस केस में जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले थे उनके वोटिंग राइट्स थे, यानी कंट्रोल उनके हाथों में था. अब इवन आफ्टर यू नो इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, द कंट्रोल लाइज इन द सेम नंबर ऑफ हैंड्स. रीजन बीइंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट्स. So the control of the equity shareholders does not get diluted. Okay. Next is better payment of fixed rate of dividend to preference shares may enable the company to declare higher rate of dividend for the equity shareholders in good times. देखो preference shareholders को तो fixed dividend ही मिलना है. तो suppose करो पहले साल में company को 100 crore का profit हुआ after tax. उसमें से 10 crore चला गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिक्स्ड रेट और उनको जाना था से 10%, उनको 10 crore चला गया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? 90 crore. थिंक ऑफ द सिचुएशन, व्हेन सिचुएशन टू देखते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 200 crore, ठीक है. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना जाना है? 10% जाना है, यानी 10 crore ही जाना है. तो कंपनी के पास सरप्लस कितना बचा प्रॉफिट? 190 crore. दिस 190 crore विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है. अगर क्यों ये फायदा इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्यों फायदा मिला? क्योंकि प्रेफरेंस को तो जाना ही फिक्स्ड है. तो अगर हमारे प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं तो उस केस में गुड टाइम्स है कंपनी के लिए, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो फिक्स्ड जाना है, इक्विटी शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है. ऑल द क्रेडिट ऑफ दिस गोज टू प्रेफरेंस शेयर्स. अगर एडिशनल मनी इक्विटी शेयर से रेस करके ली होती तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस से की गई है तो उनको तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलना है. सो मोर सरप्लस इज लेफ्ट फॉर द पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है. Then, preference shareholders have a preferential right of repayment over equity shareholders in the event of liquidation of the company. जब कंपनी को कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, डिसॉल्व करना है, इसको वाइंडिंग अप करना है कंपनी को. एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट ऐसे नहीं है कि कंपनी लॉस में जा रही है, चलो दरवाजे बंद कराओ और कंपनी बंद हो जाएगी. नो, डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी is a legal procedure. इसको एक specific नाम winding up of a company दिया जाता है और इसका एक legal procedure होता है जिसको follow करके आप company को dissolve कर सकते हो, liquidate कर सकते हो. So in case you are liquidating your company and you have to settle your claims with that liquid assets. आपने company के assets बेच दिया, आपके पास cash आ गया, अब आपने claim settle करने हैं. सबसे पहले आप secured creditors के claim settle करेंगे, उसके बाद बारी आएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, उसके बाद जाके बारी आएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की. इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है ओवर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, एट द प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी गेट्स डिसॉल्वड, ठीक है. देन दे डू नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी. जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके कैपिटल रेस कर रहे हैं तो आपके एसेट्स फ्री ऑफ चार्ज हैं, कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं हो रहा है. तो इन फ्यूचर इफ यू वांट टू रेज मोर फंड्स, यू कैन डू सो बाय क्रिएटिंग अ चार्ज अगेंस्ट योर एसेट्स. देन देयर आर लिमिटेशंस एज वेल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. वन,
preference shares are not suitable for those investors who are willing to take risk and are interested in higher returns. बेटे प्रेफरेंस शेयर से तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलना है, 6% लिखा है तो 6% मिलना है, 7% लिखा है तो 7% मिलना है, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो कि आप ज्यादा यू नो रिटर्न चाहते हो और उसके लिए आप ज्यादा रिस्क भी उठाने को तैयार हो, तो इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट सूटेबल फॉर यू, राइट। सेकेंडली, प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर्स over the assets of the firm. Okay. Another disadvantage of preference shares is that preference capital dilutes the claims of equity shareholders over the assets of the company. देखो बेटे, equity shareholders permanent owners हैं, voting rights enjoy करते हैं, most important you know pillar हैं in the formation of the company. लेकिन जब एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स से भी कैपिटल रेस कर लेती है तो उससे क्या होता है, अगर कंपनी कल को लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले कंपनी के जो लिक्विड एसेट्स हैं उनमें से किसका पैसा चुकाया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो इसका मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो लिस्ट में काफी नीचे चले गए, यानी उनका क्लेम जो था एसेट्स के ऊपर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के आने से डाइल्यूट हो गया। गॉट इट? सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अनदर इज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सो जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, लोग उनको तभी खरीदते हैं अगर डिबेंचर्स से ज्यादा इंटरेस्ट डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। यानी अगर हमने डिबेंचर्स लिए हैं 6% पे, तो प्रेफरेंस शेयर्स आपने अगर इशू करने हैं तो उसको आपको 7% पे कम से कम इशू करना पड़ेगा, तभी लोग लेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए एक तरह से डिसएडवांटेज है कि अगर वो डिबेंचर्स से लेती है फंड्स तो उसको 6% रिटर्न देनी पड़ती है, लेकिन प्रेफरेंस से इशू करती है, रेज करती है फंड्स तो उसको 7% देने पड़ेंगे। Perhaps this is the reason why companies no longer, you know, issue preference shares. Okay, next, as the dividend on these shares is to be repaid only when the company earns profit, there is no assured return for the investors. ठीक है, तो otherwise तो ये fixed rate of return bear करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ condition भी है, company के profit sufficient होने चाहिए और कंपनी के डायरेक्टर्स का भी सहमति होनी चाहिए। तो इसका मतलब कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं है। जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे 7% के ऊपर तो आपको लगा रहे कंपनी डूब भी जाएगी तो भी हमें 7% तो आएंगे, ऐसा नहीं है बेटे, ठीक है। डिबेंचर्स के केस में ऐसा जरूर होता है, आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स विल नॉट फेच यू fixed rate of dividend. It will fetch you the fixed rate of dividend only when the company's position is very, very good and it is earning sufficient profits. Then, the dividend paid is not deductible from profits as expense. Thus, there is no tax saving as in the case of interest on loan. तो बेटे इसमें से जो dividend हम pay कर रहे हैं ना, वो expenditure नहीं treat किया जाता। अगर हम इसको एक्सपेंडिचर ट्रीट करते, सपोज करो कंपनी का प्रॉफिट आया 100 करोड़, ठीक है, और 10 करोड़ हमने दे दिया डिविडेंड, तो अगर इसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते तो हमारा बाकी प्रॉफिट बचता 90 करोड़, और उसके ऊपर हमें 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता, विच इज 30,000 रुपीज, राइट। अब लेकिन ऐसा नहीं है, जो डिविडेंड पेबल है ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इट इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट एज एन एक्सपेंस। अगर 10 हमारे पास 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ हमने डिविडेंड दे दिया, तो अभी भी हम टैक्स जो है वो 90 करोड़ के ऊपर नहीं, 100 करोड़ के ऊपर देंगे, ठीक है। 100 करोड़ के ऊपर 30%, यानी 30 करोड़, ओके, इन प्रीवियस केस इट वाज 27 करोड़, सॉरी, ठीक है।
उस केस में 27 करोड़ देना पड़ता अगर हम डिविडेंड को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते, लेकिन क्योंकि डिविडेंड एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसका हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? ये लिमिटेशन का डिबेंचर के साथ, कि कंपनी के पास चॉइस है वो डिबेंचर से फंड्स रेस करे या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो अगर ये ड्रॉबैक उसको बहुत बड़ा लगता है तो उस केस में इट शुड रेस फंड्स थ्रू डिबेंचर्स, क्योंकि अगर डिबेंचर से फंड्स रेस किए तो सपोज 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इसमें जो अब इंटरेस्ट देना है ऑन द डिबेंचर्स, सपोज करो वो 10 करोड़ हुआ, तो वो 10 करोड़ प्रॉफिट में से एज एन एक्सपेंस डिडक्ट हो जाएगा, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट्स एज एन एक्सपेंस, तो अब आपको 90 करोड़ के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? So you also have the types of preference shares given. But there are different types of preference shares. One, cumulative and non-cumulative. Another, participating and non-participating. Third is convertible and non-convertible. So first one, cumulative and non-cumulative. But the preference shares which enjoy the right to accumulate unpaid dividend in the future year, in case the same is not paid during the year, are known as cumulative preference shares. Right? Agar aapke paas cumulative preference shares hain, aapke 7% cumulative preference shares hain, 2018 mein company ko profits kam hue, तो कंपनी ने डिविडेंड पे आउट नहीं किया अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। 2019 में कंपनी के अच्छे प्रॉफिट्स हुए, तो उस केस में ये 2019 का तो डिविडेंड पे करेगी करेगी, 2018 का जो अनपेड डिविडेंड है ये भी पे आउट करेगी। क्यों? क्योंकि जो शेयर्स हैं आपके पास वो क्यूमुलेटिव हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब आपका डिविडेंड क्यूमुलेट इकट्ठा हो रहा है, अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में नहीं दिया गया तो वो अगले साल दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होगा, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने डिविडेंड पे आउट नहीं किया और अगले साल आपके प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो आपको पिछले साल का डिविडेंड पे आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर हैविंग नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर सरप्लस ऑफ ए कंपनी शेयर्स विच आफ्टर डिविडेंड अ सर्टन रेट has been paid on equity shares are called participating preference shares. तो समझिए इसका मतलब क्या है participating। एक तो आपको fixed rate मिलना ही मिलना है, ठीक है, आपको 100 करोड़ का profit हुआ, 10 करोड़ company ने distribute कर दिए amongst preference shareholders। उसके बाद company ने equity shareholders को देना है, supposing company ने 20 करोड़ retain करके रख लिया, अब बाकी जो बचा उसमें से सिर्फ 30 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया, तो अभी भी कंपनी के पास सरप्लस बचा हुआ है, तो ये सरप्लस में से वो अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो कंपनी आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। बट इफ यू आर हैविंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स तो कंपनी के पास जितना मर्जी सरप्लस बच जाए कंपनी उसमें से उसको रिटेन करके रख लेगी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। दिस इज अबाउट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देन बेटे कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। उसके ऊपर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मेंशनड होता है। So once that time is over, preference shares get converted into equity shares. Whereas non-preference, non-convertible preference shares are those
which do not get converted into equity shares. Okay, this is about types of preference shares. Now we will be discussing about debentures. Till now, you have doubt, any doubt you can ask.